आनंद मोहन बिहार का वह बाहुबली नेता जो कई वर्षों से हत्या के मामले में सजा काट रहा था और जैसे ही जेल से रिहाई हुई बिहार की राजनीति गलियारों में भूचाल आ गया। लोकसभा चुनाव से पहले आनंद मोहन को जेल से बाहर आना बिहार के सियासत में एक बार फिर राजनीति में एंट्री से बिहार की सियासत में खलबली मच गई है और इस बार की लोकसभा चुनाव आने से पहले राजनीतिक पार्टियों में खलबली मची हुई है और लगातार जब से आनंद मोहन रिहा हुए हैं तब से अपने लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं और वही रुतवा के साथ आनंद मोहन फिर एक बार राजनीति में एंट्री करना चाहते हैं और वही दमखम के साथ अपने प्रतिद्वंदियों को सबक सिखाने के लिए बिहार की धरती पटना में 10 लाख लोगों को बुलाने का ऐलान कर दिया है और अपनी ताकत को एक बार फिर बिहार में दिखाना चाहते हैं कि आज भी आनंद मोहन में वही दमखम है और उतना ही लोग आज भी आनंद मोहन को चाहते हैं। वही आनंद मोहन को आने से राजपूतों को एकजुट करने का प्रयास भी किया जा रहा है। इस बार पटना की धरती पर कुछ बड़ा होने वाला है क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी गोटियों को सेट करने में लगी हुई है। ऐसे में राजपूत वोट पर सभी पार्टियों की निगाहें टिकी हुई है क्योंकि इस जाति का वोट बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह जो जाति है जहां पर जाती है तो कुछ और लोगों को अपने साथ लेकर जाती है, इसीलिए सभी पार्टियां की निगाहें इन्हीं पर टिकी हुई है, चाहे वह भाजपा हो या राजद हो या जदयू हो। लेकिन बिहार के पूर्व सांसद बाहुबली नेता आनंद मोहन ने एक बड़ा ऐलान करके सबको चौंका दिया है कि वे नवंबर महीने में पटना में एक बड़ी रैली करने वाले हैं और इस रैली में तकरीबन 10 लाख लोग शामिल होने का अनुमान लगाया जा रहा है। रैली को लेकर अभी से आनंद मोहन निमंत्रण भी देना शुरू कर दिए हैं और यह ऐलान रोहतास के विक्रमगंज के शिवपुर गांव से किया गया है जहां एक कार्यक्रम में वीर महाराणा प्रताप के प्रतिमा अनावरण में पहुंचे हुए थे और युवाओं को भी कहा कि आप महाराणा प्रताप के रास्ते पर चलिए। वहीं युवाओं में काफी आनंद मोहन को लेकर उत्साह देखा गया। वहीं आनंद मोहन मंच से गरज रहे थे और उनके समर्थक जय राजपूताना के नारे लगा रहे थे। अब देखना यह होगा कि क्या आनंद मोहन के निमंत्रण पर लोग पहुंचते हैं या नहीं।